अपने ही सरकार से खफा हुए अजीत पवार, सीएम शिंदे को दी गठबंधन की नसीहत, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ अजीत पवार अपने ही सरकार से खफा हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है और याद दिलाया है कि उनकी पार्टी भी उनकी सरकार में सहयोगी है। दरअसल एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए टोयोटो किर्लोस्कर और महाराष्ट्र सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर होना था, लेकिन इस हस्ताक्षर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को आमंत्रित नहीं किया गया। इससे पवार नाराज हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन कर अपनी नाराजगी जता दी है। पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे को गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए कहा और यह भी याद दिलाया कि महायुति सरकार में उनकी पार्टी NCP भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस समारोह में राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत को भी नहीं बुलाया गया था। सामंत भी NCP के नेता हैं। हस्ताक्षर समारोह मालाबार हिल स्थित राज्य अतिथि गृह शाहद्री में आयोजित किया गया था। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में अजीत पवार और उदय सामंत दोनों समारोह स्थल की शोभा बढ़ाने खुद ही पहुंच गए। NCP के सूत्रों के मुताबिक जिस समय समारोह शुरू हो रहा था उस समय अजीत पवार और उदय सामंत उद्योग विभाग से संबंधित अहम मुद्दों की समीक्षा कर रहे थे। जब इस समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग के बड़े अधिकारी और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी नहीं दिखे तो पवार ने इस पर नाराजगी जाहिर की और पूछा कि ये अधिकारी क्यों नहीं आए। इस पर विभाग के जूनियर अफसरों ने बताया कि सीनियर अफसर सह्याद्री गेस्ट हाउस गए हुए हैं, जहां MOU पर दस्तखत होने हैं। इस पर अजीत पवार ने उद्योग मंत्री सामंत से पूछा कि विभागीय मंत्री होने के नाते आप वहां क्यों नहीं गए, तो सामंत ने समारोह की जानकारी होने और न्योता मिलने से इनकार कर दिया। इस पर अजीत पवार भड़क गए और उन्होंने वहीं से मुख्यमंत्री शिंदे को फोन मिलाने को कहा। इसके बाद फोन पर अजीत पवार ने सीएम शिंदे से कहा कि यह गठबंधन सरकार है, लेकिन ना तो उन्हें और ना ही उद्योग मंत्री को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाया गया। NCP के नेताओं को इससे दूर रखा गया, जबकि गठबंधन सरकार में NCP भी सहयोगी है। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिंदे ने इस पर आश्चर्य जताया और अपने उप मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि जब तक वह दोनों वहां नहीं आ जाते तब तक कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके बाद पवार और सामंत समीक्षा बैठक छोड़कर शाहद्री पहुंचे। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि यह घटना इस बात को उजागर करती है कि सत्ताधारी गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कुछ दिनों पहले भी लड़की बहन योजना का श्रेय लेने की दोनों दलों में होड़ मच गई थी।